तो so, हमने ये आउटपुट uh, हमारे पास स्पेसिस फाइल के अंदर भी आ जाती है जब आप रन करते हैं और वो सारे टेबल्स दे देता है लेकिन चूंकि उनका साइज छोटा है सो मैंने उन टेबल्स को जितने भी इम्पॉर्टेंट टेबल्स उसमें हैं आई हैव पेस्टेड दम हियर इन द पावर पॉइंट स्लाइड वी विल गो थ्रू वन बाय वन एंड वी विल एक्सप्लेन सो पहला टेबल हमारे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे नोवा वन वे टू वे का आता है कि वो पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स देता है और उनके लेवल देता है कि कितने हैं तो हमारे पास विद इन सब्जेक्ट वो कह रहा है कि आपका जो कैफीन है वो विद इन सब्जेक्ट है उसके तीन लेवल्स हैं और जो आपका बिटवीन सब्जेक्ट वेरिएबल है उसके टू लेवल्स हैं जो कि है मेल और फीमेल उसके बाद अगली में डिस्क्रिप्टिव कि हम लाजमी चेक करते हैं कि हमें डिस्क्रिप्टिव बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि समटाइम्स रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट नहीं भी आ रहे होते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव हमें आइडिया देते हैं कि कितना डिफरेंस है हाउ द थ्री ग्रोप्स आर डिफरेंट और हाउ द टू ग्रोप्स आर डिफरेंट तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेन और स्टैंडर्ड इविएशन दी हुई है आपको सो so, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो मेमोरी है और आप देखें कि लो कैफीन के साथ आपका जो मेल या फीमेल हो दोनों में आपकी मेमोरी जो है वो ठीक है मिस्टेक्स कम है जबकि आपकी हाई कैफीन के साथ आपकी मेमोरी के लिए रिकॉल के लिए मिस्टेक्स ज़्यादा हैं सो uh, so, हमारी एक जनरल हमें आइडिया दे देता है कि डेटा के अंदर मीन कितनी है स्टैंडर्डिएशन कितना है और फिर हमारा हर ग्रुप में एन साइज़ कितना है आउटपुट ऑल्सो प्रोवाइड टेस्ट फॉर द एडिशनल एजम्प्शन ऑफ एनोवाजम्प्शन ऑफ सफेरिसिटी जो कि हमने बात की थी कि होमोजनाइटी ऑफ वेरियंस जब हम टेस्ट करेंगे अब हमारे पास इसके अंदर इंडिपेंडेंट ग्रुप वेरिएबल भी है हमारे पास विद इन ग्रुप या रिपीटेड मेयर भी है तो अब हमने तीन तरह के इसमें सेफेरिसिटी की जम्प्शन चेक करनी है पहली हमारी जम्पशन होगी मॉचले टेस्ट फॉर द विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल और हमें पता है कि ये वैल्यू जो है हमारी नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए तीनों वैल्यूज फॉर सफेरिसिटी हम क्यों कहते हैं आपको याद होगा कि जब भी हम कहते हैं कि अगर हमारी ये वैल्यू जिसको हम पी वैल्यू भी कहते हैं एस आई जी इक्वल टू पी वैल्यू शुड बी अगर ये हमारी स्मॉलर हो पॉइंट जीरो फाइव से तो हम कहते हैं कि रिज़ल्ट हमारे सिग्निफिकेंट हैं और जब भी हमारे रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट आ जाते हैं इसका मतलब है कि हमारा नल हाइपोथिस रिजेक्ट हो जाता है कि हमारा रिसर्च हाइपोथिस प्रूव हो जाता है यानी नल हाइपोथेसिस में हम स्टेट करते हैं कि देर आर नो डिफरेंसेस जबकि रिसर्च में हम कहते हैं कि देर आर डिफरेंसेस और हम हमजम्शन ये करते हैं कि ऑलरेडी वेरिएंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है तो इस वैल्यू का नॉन सिग्निफिकेंट होना ज़रूरी है क्योंकि जब ये वैल्यू हमारी नॉन सिग्निफिकेंट होगी यानी पी ग्रेटर देन पॉइंट होगा इसका मतलब है कि नॉन सिग्निफिकेंट होंगे और नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब है कि नो डिफरेंस और यही हमारी एजाम्पशन है सो so, चाहे वो मॉचले टेस्ट है चाहे वो लेवेंस टेस्ट है वो चाहे बॉक्स टेस्ट है वट वी वॉन्ट वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एस आई जी यानी ये मॉचले टेस्ट है और इसकी वैल्यू हम चाहते हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट हो और वो हमारी नॉन सिग्निफिकेंट ही आई है सो वी अज्यूम कि हमारी सफहरिस्ती की एजॉम्पन यहाँ पे मीट हो गई है अगला हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए हमारा लेवेंस टेस्ट है और ये हम टी टेस्ट में भी करते हैं वन वे नोवा टू वे नोवा जब इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं तो हम रन करते हैं और यहाँ भी हम क्या देखना चाहते हैं कि हमारी वैल्यू uh, जो है वो लेवेंस टेस्ट की नॉन सिग्निफिकेंट हो तो हमारी तीनों जगह पर वैल्यू पॉइंट से कम आ रही है लेवेंस टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ द एरर वेरियंट्स बॉक्स टू सी इफ वी वोलेटेड दम्पन ऑफ होमोजनाइटी ऑफ वेरियंस अब वो बॉक्स टेस्ट के लिए हमारी इक्वलिटी ऑफ को हम चेक करते हैं और हम तीनों लेवल्स जो हैं हमारे विद इन ग्रुप के उसके ऊपर चेक करते हैं वी वॉन्ट पी वैल्यू टू बी नॉन सिग्निफिकेंट और इस केस के अंदर हमारी तीनों वैल्यूज नॉन सिग्निफिकेंट हैं और ये हमारे लिए बॉक्स टेस्ट वो खुद से भी कैलकुलेट कर देता है यानी हमारी इक्वालिटी ऑफ को को चेक करने के लिए वी रन द बॉक्स टेस्ट और उस बॉक्स टेस्ट में ये हमारी वैल्यू है और ये हमारी पी वैल्यू है एस आई जी एंड वी वॉन्ट दिस वैल्यू टू बी नॉन सिग्निफिकेंट और इस केस में हमारी तीनोंजम्पशंस जो है हमारी फुलफिल हो रही हैं और हमारे डेटा में वी आर मीटिंग द एजाम्पशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द पेरियंट